हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑटोकैड का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा हैचिंग लाइंस का कंसेप्ट, और साथ ही साथ अगर हमें एक गिवन लाइन को सपोज हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन हो और हमें उसे स्लैंट बनाना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी स्लैंट लाइन हो तो हमें अगर उसको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है तो हम ऑर्थो मोड ऑन करते हैं, अगर हमें स्लैंट लाइन बनाना है तो हम ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट में हम लोग जो लाइंस है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में लेयर में आपको लेयर प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि जो भी लेयर्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटर डायमेंशन लाइन लेयर क्रिएट करना सिखाया था लास्ट वीडियो में। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हिडन लाइन सेंटर लाइन ये दिखते कैसे है। ठीक है, अभी कैसा होता है कि ये जो ड्राइंग है जो डिस्प्ले हुई है, ये ऑर्थोग्राफिक का एक ड्राइंग है। तो इसमें आपको दिख रहे रहेंगे कि ये जो थिकनेस वाली लाइंस है वो ऑब्जेक्ट के लाइंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लाइंस है वो डायमेंशन लाइंस है, फिर यहाँ पे एक लेबल बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें टेक्स्ट डाला है, फिर यहाँ पे जो डैश 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 है वो हिडन लाइंस है। ठीक है, तो कैसा होता है कि ये हिडन लाइन जो है, हिडन लाइन का कंसेप्ट कैसा होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू से अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है तो शायद से वो टॉप व्यू में नहीं दिखेगा या फिर साइड व्यू से नहीं दिखेगा। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं कि उन हिडन लाइन्स को दूसरे व्यू में प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि फ्रंट व्यू में यहाँ पे जो हिडन लाइन दिख रही है वो ये व्यू में नहीं दिखेगी, इसलिए हमें हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ये सर्कल जो है ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है लेकिन इस व्यू में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हिडन लाइंस को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो कौन से भी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में हमें याद रखना है कि जब हम सर्कल्स निकालते हैं या फिर जब हम कर्व्स निकालते हैं, यहाँ पे देखो रेडियस का एक कर्व है, तो जब भी हम लोग ऐसे शेप्स निकालते हैं जो दूसरे व्यू में प्रेजेंट नहीं है तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए हम हिडन लाइंस प्रोजेक्शन लाइन यूज करते हैं। अभी ऑर्थोग्राफिक में ये प्रोजेक्शन लाइंस कहाँ पे काम आती है, तो ड्राइंग हमारा इजी होता है, फटाफट होता है। ठीक है, अभी ये हैचिंग लाइंस का कंसेप्ट क्या है, तो हैच लाइन जो होता है, अभी ये पूरे रिबन में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हैच वाला नहीं है। अभी कैसा होता है कि सेक्शनल फ्रंट व्यू या फिर सेक्शनल साइड व्यू में अगर आपको हैचिंग करना है तो कैसा होता है हैचिंग, चलो देखते हैं। अभी हैचिंग में ना बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैं हैचिंग में अगर देखूंगा तो ये ऐसा एक पैटर्न है, ठीक है, ब्लॉक्स वाला, ये ऐसा एक पैटर्न है, ऐसा एक पैटर्न है। तो मोस्टली प्रेफरेबल ये ANSI 31 होता है। तो ये पैटर्न से क्या होता है, हम जो हैचिंग हमें चाहिए, जिस पोर्शन में हमें हैचिंग चाहिए वो हम कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे ये सेक्शनल साइड व्यू करना है, यहाँ पे मुझे हैचिंग करना है, यहाँ पे मैंने किया, फिर यहाँ पे मैंने किया, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ऐसा ड्राइंग में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको आपके व्यू में दिया रहेगा, अगर आपको हैचिंग करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो ऊपर वाला रिबन है, यहाँ पे जो ड्रॉ सेक्शन है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके नीचे सबसे नीचे एक हैच वाला ऑप्शन रहेगा, आपको बस जो पोर्शन कट किया गया है, ठीक है, और आपको जिस क्वेश्चन में बोला है कि सेक्शनल साइड व्यू तो या फिर सेक्शनल फ्रंट व्यू, तो उस व्यू में आपको इस हैचिंग लाइंस दिखाने हैं। ये देखो हैचिंग लाइंस। अभी कैसा होता है, अगर मैं हैचिंग लाइन दूसरी यूज करूंगा तो उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा, मोस्टली यही हैचिंग लाइंस हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हैचिंग लाइंस का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे अगर मुझे स्लांट लाइन निकालना है, अभी जैसे कि ये ड्रॉइंग इनकम्प्लीट है, इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों आर्क्स के बीच में एक लाइन है, ठीक है, लेकिन वो ये ऑर्थो मोड ऑन है ना यहाँ पे, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती, हमें वो स्लांट लाइन चाहिए। तो स्लांट लाइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करके हम ये लाइन क्लिक करेंगे, लाइन क्लिक करके यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर एस्केप। तो कैसा होता है कि जो स्लांट लाइन है, ये स्लांट लाइन हमें तभी मिलती है जब हम ऑर्थो मोड ऑफ करते हैं। ठीक है, अभी अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कैसा है, हम लोग को
ड्राइंग में बोला है कि हिडन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस, ये सब सेम कलर में रखो, व्हाइट कलर में रखो। लेकिन अगर आपको मल्टी कलर में रखना है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जो भी आपकी हिडन लाइन है उसको सिलेक्ट करो। देखिए यहाँ पे एक हिडन लाइन है, यहाँ पे एक हिडन लाइन है, फिर यहाँ पे एक हिडन लाइन है। तो एक क्या करो, हर एक कंपोनेंट को एक कलर असाइन करो। जैसे कि हिडन लाइन को, इतनी सारी हिडन लाइन आप सिलेक्ट करो। हिडन लाइन सिलेक्ट करने के बाद लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ। लेयर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि हर एक का कलर क्या है। यहाँ पे हिडन का कलर यहाँ पे येलो टाइप करो, येलो टाइप करो और ओके कर दो। क्या हो जाएगा, आपने जो लाइंस सिलेक्ट की है हिडन लाइंस, उसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी सपोज मुझे डायमेंशन लाइंस का कलर चेंज करना, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, हर एक डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैंने हिडन को सिलेक्ट किया और उसको एक कलर असाइन करूंगा, जिससे कि आपका ड्राइंग और अट्रैक्टिव दिखेगा। और ये जितने भी डायमेंशन लेंस है उनको सबको सिलेक्ट करो, लेयर प्रॉपर्टीज में जाके जहां पे भी डायमेंशन लेंस है वहां पे उसका कलर चेंज करो। अभी मुझे रखना है सियान। ओके, अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये देखो यहाँ पे जो नेम प्लेट है, ये नेम प्लेट में मैंने जो नाम लिखा है वो डायमेंशन लेंस इसमें नाम लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि आप इससे आपका एरर भी ढूंढ सकते हो कि आपने कहाँ पे लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन बनाया है या डायमेंशन लाइन बनाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं किया तो भी चलेगा, तो आपको पता चल गया रहेगा कि कैसे हम लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी कैसा होता है कि प्रिंट में जब भी हम प्रिंट लेते हैं तो मोस्टली हमें बोला जाता है कि सब लाइंस को व्हाइट रखें ताकि प्रिंट इजीली आ जाए। लेकिन अगर आपको मेंशन करना है तो आप प्रिंट में भी आप ये दिखा सकते हो। फिर से जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर आपको प्रिंट लेना है तो ड्राइंग ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेट करो, फिर नंबर ऑफ कॉपीज 1, फिर ISO A4। ठीक है, A4 ही आप कंसिडर कर लो, और प्रिंटर जो भी है के लैब में वो प्रिंटर सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सिलेक्ट करता हूँ। डिस्प्ले में विंडो सिलेक्ट करो, विंडो में आपको सबसे पहले सेंटर टू प्लॉट करो, फिर डिस्प्ले में विंडो कीजिए, फिर यहाँ पे आपको बता जाएगा कि कहाँ से आपको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ से लो, ठीक है, फिर आप प्रीव्यू देख लो एक बार कैसा होता है। देखो आपकी शीट में आपने जो भी चेंजेस किए, जैसे कि मैंने डायमेंशन लेंस को सियान कलर में किया है, फिर हिडन लेंस को येलो कलर में किया है, फिर हैचिंग लेंस दिखाया है, तो जो भी मैंने चेंजेस किया है वो मेरे ड्राइंग में दिख रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ गया रहेगा। तो ऑर्थोग्राफिक में बस इतना ही था, ऑर्थोग्राफिक में हम ज्यादा कुछ नहीं करते, बस तीन व्यूज बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, एंड डायमेंशन लाइंस, हिडन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस। उसके बाद बस हाँ एक और चीज बताना भूल गया, ये जो डेप्थ प्रॉपर्टीज में आप देखोगे ना, ये डेप्थ पॉइंट्स, ये कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये डेप्थ पॉइंट जो है ये एक एरर जनरेट होता है हमारे लेयर्स में ऑटोमेटिकली। अगर आप देखोगे, आपने ये जनरेट नहीं किया है लेकिन तो भी आप ये डेप्थ पॉइंट्स को देख सकते हो। तो डेप्थ पॉइंट जो वो कभी भी आप सिलेक्ट मत करो, आपका ड्राइंग जो भी है वो आप ऑब्जेक्ट लाइन गलती से अगर आप बना भी रहे हो तो भी आप प्रोजेक्शन लाइन से बनाओ, मतलब डेप्थ पॉइंट से मत बनाओ। डेप्थ पॉइंट से एक बार बना दिया ना तो प्रिंट लेने के टाइम आपका डायग्राम आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर सपोज आपका अगर पूरा डायग्राम
अगर आपका पूरा डायग्राम सपोज डायमेंशन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन में बना है, तो क्या कर सकते हो आप, अगर आपको उसको पूरे डायग्राम को अगर आप ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करो, कंट्रोल ए दबाओ। कंट्रोल ए दबाने से क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा जो भी आपने डायग्राम निकाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जिस भी आपको लाइन में, जैसे कि मुझे ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई करना है, तो पूरा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर मुझे पूरा का पूरा प्रोजेक्शन लाइन में चाहिए, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोजेक्शन लाइन में जहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो पूरा डायग्राम गायब हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अनफ्रीज्ड है, यहाँ पे जो भी है वो अनफ्रीज्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कौन से भी लेयर पे क्लिक करूंगा ना, तो वो लेयर दिख जाएगा मुझे, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन मैंने फ्रीज किया है, तो फ्रीज करने से क्या होता है, जो मैंने डायग्राम निकाला है वो दिखेगा नहीं, निकाला है पर वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं हिडन में जाता हूँ तो पूरा येलो दिखेगा। तो कंट्रोल ए करने से क्या होता है, जो भी आपने निकाला है, ठीक है, जो भी आपने निकाला है, जो भी आपने निकाला है, वो अगर आप पूरा का पूरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर पूरा का पूरा एक ही लाइन में चाहिए, तो आप वैसे कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, इतने कमांड्स थे पूरे, मोस्टली तो इतने ही थे। और ये जो नीचे के ना, अभी यहाँ पे ये लाइन वेट का है, फिर ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्सेस होते हैं ना, वो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की वजह से होते हैं। आप जब भी लाइन्स निकालते हो, परपेंडिकुलर लाइन्स निकालते हो, लाइन ज्वाइन करते हो, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग बहुत काम आता है, क्योंकि वो आपके लाइन्स को ऐसा टेढ़ा या फिर डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में दिखाता है, ठीक है। और कुछ कमांड्स ऐसे भी है, जैसे कि ये सेक्शन में आपको कमांड्स दिख जाएंगे, ये जनरली ये सेक्शन में कैसा होता है कि आप, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है, तो यहाँ पे ऐसा एक कमांड प्रेजेंट होता है, तो वो कमांड क्लिक करने से आपका जो डायग्राम है, अगर आप उसको जूम इन करना है तो आप जूम इन कर सकते हो। और हाँ, कभी भी आपको आपका ड्राइंग, अगर आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना लिया, अगर आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यूनिट्स, सबसे पहले आप यूनिट्स डालोगे। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किया था 0.0। कैसा होता है कि कुछ कुछ ड्राइंग्स में 0.00 बहुत हाई वैल्यूज तक प्रिसीजन जाता है। अब क्या करो, सिंपली इसको 0.0 सेट करो, और ये जो स्केल है वो मिलीमीटर्स में रखो, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम है वो मिलीमीटर्स में आएगा, और लिमिट सेट करो। लिमिट्स में आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर का लिमिट हमेशा 0.0 और राइट कॉर्नर का 420.297। ये दो चीज आप याद रखो। तो आई होप आपको ऑर्थोग्राफिक के दोनों वीडियोस आपको समझ आ गए रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।